भाई कौन सी फिल्म देखी आज? भाई मैंने आज सलार देखी, कल डंकी देखी थी, और दोनों ही फिल्मों का यार बहुत ज्यादा क्रेज है, मतलब दोनों ही फिल्मों को लेकर के जो पब्लिक है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा क्राउड चल रहा है। कल देखा तो कल हालांकि शाहरुख खान की फिल्म बस आई थी डंकी, और आज सलार आई है, तो कल तो दुगनी थी डंकी के ऑडियंस, और आज सलार के आने के बाद थोड़ा सा घटी है, लेकिन दोनों ही फिल्मों के जितने शोज चल रहे हैं सभी हाउसफुल चल रहे हैं, 8-8 शोज चल रहे हैं दोनों ही फिल्मों के, और सभी बैक टू बैक शोज चल रहे हैं, मतलब हाउसफुल चल रहे हैं। और जैसा कि उसकी प्रेडिक्शन आई है थोड़ा बहुत ऐसे सुनने में आ रहा है रिपोर्ट्स का, डंकी का फर्स्ट डे का 24 घंटे का जो ओपनिंग होने वाला है वो होने वाला है 150 करोड़ समथिंग, 150 करोड़ का, और इसका जो प्रेडिक्शन लगाई जा रही है तो अभी तो शो ही चालू है, तो कह रहा है कि ये भी 100 करोड़ प्लस जा सकती है। तो आप देख सकते हो कि शाहरुख खान कौन बाजी मारेगा, आपको क्या लगता है? मतलब मेरे हिसाब से सर शाहरुख खान बाजी मार सकते हैं, क्योंकि वो जो राजकुमार हिरानी की डंकी है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो है, बाजी मारने का मतलब ऐसा कि कलेक्शन के मामले में शाहरुख खान बाजी मार सकते हैं, ताकि दोनों ही फिल्में 1000 करोड़ के पार जाएंगी, ये बात कंफर्म है, क्योंकि भाई एक्शन के मामले में सलार बहुत ज्यादा अच्छी है, और मोटिवेशन इंस्पिरेशन के सामने। अच्छा, जैसे रिसेंट में अभी एनिमल ने काफी अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं, तो उन रिकॉर्ड को सबसे पहले कौन तोड़ेगा, क्या लगता है? वो तो वही डंकी तोड़ेगी, क्योंकि एक दिन पहले रिलीज हुई है, तो बात यही है कि वो ऑलरेडी 150 करोड़ प्लस उससे आगे चलेगी, अगर ये 100 करोड़ प्लस आज 24 घंटे में करती भी है कंप्लीट, तो उसका दूसरा दिन चालू हो जाएगा, तो ऑलरेडी 200 करोड़ प्लस चल जाएगा। दोनों को कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं सर सलार को दूंगा 5 में से 4 और डंकी को दूंगा 5 में से 5। ओके, थैंक यू।